हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बर्फी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं नारियल की बर्फी। लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे लगभग 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे हमने 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। उसके बाद अब हम इसे एक बारी अच्छी तरीके से मिला देंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जब ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 कप दूध। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है। और एक बार इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। हम इस डेसिकेटेड कोकोनट को एक साथ नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद अब हम थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद इसे फिर मिक्स करेंगे। ऐसे ही हम अपने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा अपना 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। उसके बाद अब हम इसे मिलाते जाएंगे और ये अभी थोड़ा ज़्यादा गीला है, तो जैसे ये मिलता जाएगा एक साथ तो इसका जो एक्स्ट्रा मतलब गीलापन है ना वो मतलब हट जाएगा, ज़्यादा ये गीला गीला नहीं रहेगा। तो जैसे कि ये जो अभी आपको मिक्सचर दिख रहा है ना, इस कुछ टाइप का हमें मिक्सचर चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑरेंज फूड कलर, आपके पास जो फूड कलर हो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया और इस पर कितना प्यारा ऑरेंज कलर आ गया है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लेंगे एक प्लेट, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और उसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से फैला देंगे। उसके बाद जो हमने मिक्सचर रेडी करा हुआ था उसे हम अपने प्लेट पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे मिक्सचर को डाल दिया है प्लेट में। उसके बाद अब हम लेंगे एक स्पून और उसकी मदद से इसे स्क्वायर शेप में अच्छी तरीके से फैला देंगे। और हमें इसकी लेयर ज़्यादा मोटी नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें से हमने आधा बचा लिया था और उसमें हमने येलो फूड कलर मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो लेयर हमने अपनी ऑरेंज की बनाई हुई थी उसके ऊपर डाल देंगे हम अपनी येलो कलर की लेयर, और उससे भी मतलब ऑरेंज कलर की लेयर के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। तो यहाँ पर हमने येलो वाली लेयर को भी अच्छी तरीके से लगा दिया है। उसके बाद लेंगे हम थोड़ा सा चांदी का वर्क और इसके ऊपर लगा देंगे। चांदी का वर्क लगाना ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चांदी का वर्क हमने यहाँ पर लगा दिया है। चांदी का वर्क लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता। अगर आप चाहें तो इस जगह किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। मेरा पिस्ता फेवरेट है तो यहाँ पर मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। उसके बाद लेंगे हम एक स्पैचुला, उसकी मदद से इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि हमने जो चांदी का वर्क और ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं वो मतलब इस पर ऐसे छूटे ना। उसके बाद अब हम इसे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 1 घंटे के बाद ये हमारी जो नारियल की बर्फी है वो अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप इसे जितना बड़ा या जितना छोटा जैसा कट करना चाहते हैं आप इसे वैसे कट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने अपनी नारियल की बर्फी को कट कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।